प्लीज चेयरमैन सर, या 7 एवं 8 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के संबंध में मैं स्टेटमेंट देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 7 मार्च 2017 को प्रातः 9:41 पर मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर में रेलवे स्टेशन जबड़ी के नजदीक गाड़ी नंबर 593T20 भोपाल उज्जैन पैसेंजर के जनरल कोच में एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 10 रेल यात्रियों को चोटें आईं और रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वर्तमान में सभी घायलों की स्थिति खतरे के बाहर है। उक्त घटना के संबंध में थाना GRP उज्जैन में ट्रेन गार्ड की रिपोर्ट पर अपराध संख्या 47/17 धारा 34 एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के अंतर्गत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा प्रकरण के इन्वेस्टिगेशन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की। घटनास्थल के प्रारंभिक निरीक्षण से संकेत मिला कि अपराधियों द्वारा विस्फोट के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विस्फोटक पदार्थों से तैयार किए गए IED का उपयोग किया गया था। घटना के अन्वेषण के संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया गया। तदुपरांत प्राप्त आसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा होशंगाबाद जिले के पिपरिया नामक स्थान पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदेहियों से की गई पूछताछ में उपरोक्त घटना में उनकी सहभागिता स्पष्ट होने से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण का अग्रिम अन्वेषण केंद्रीय एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन से किया जा रहा है तथा अभियुक्तों के अन्य संपर्क सूत्रों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। संदेहियों से की गई पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखनऊ, इटावा, कानपुर व औरैया में विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही की गई। लखनऊ में काकोरी थाना अंतर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्ला उर्फ अली के किराए पर रहने की सूचना प्राप्त हुई। ATF उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त मकान की घेराबंदी की गई और संदेही सैफुल्ला को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए गए, परंतु उसके द्वारा आत्मसमर्पण करने से इनकार किया गया व ATF टीम पर फायरिंग की गई। अंततः लगभग 12 घंटे के अथक प्रयास के पश्चात ATF टीम द्वारा सैफुल्ला के कमरे में प्रवेश किया गया तथा आमने सामने हुई मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। मृतक के कमरे से 8 पिस्टल, 630 जिंदा कारतूस तथा अन्य सामग्री जिसमें 1.5 लाख रुपये नकद, लगभग 45 ग्राम सोना, 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 2 वाकी टाकी सेट और कुछ विदेशी मुद्रा सम्मिलित है बरामद की गई। घटना के संबंध में थाना ATS लखनऊ में अपराध संख्या 2/2017 धारा 307/121A, 122, 123, 124A, IPC 3425/27 आर्म्स एक्ट और 16/18/23 UAPA के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। ATS कानपुर इकाई द्वारा जाजमऊ थाना क्षेत्र से एक अन्य संदेही को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध अपराध संख्या 3/2017 धारा 121, 121A, 123, 124A, IPC तथा UAPA की धारा 16/18/23/38 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त ATS उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों, जिनमें से एक इटावा व एक औरैया से है, को भी उपरोक्त संदिग्ध आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 8 मार्च तक उपरोक्त घटनाक्रम में 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। दिनांक 9 मार्च को UP ATS द्वारा 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। उपरोक्त संपूर्ण घटनाक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का उत्तम उदाहरण है। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की है। इस पूरे प्रकरण की जांच NIA से कराई जाएगी। और डिप्टी चेयरमैन सर, मैं यहां पर यह भी एक उल्लेख करना चाहूँगा कि सैफुल्ला जो कि इस ऑपरेशन में मारा गया है,
उसके पिता मोहम्मद सरताज ने भी जो एक स्टेटमेंट दिया है उसका उल्लेख करना मैं समझता हूँ यह आवश्यक है कि जो देश का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है, उसने कोई सही काम तो किया नहीं है, मुझे उसका मरा हुआ मुंह तक नहीं देखना। आगे मोहम्मद सरताज कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की और परिवार को पाला है, लेकिन सैफुल्ला ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हर किसी के लिए देश पहले है, जबकि सैफुल्ला देश का नहीं हो सका, इसलिए वह मेरा भी नहीं हो सकता है। यह सैफुल्ला जो मारा गया है ऑपरेशन में, उसके पिता मोहम्मद सरताज ने कहा है डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से भी इस पूरा हाउस है, पूरे सदन की तरफ से हम सैफुल्ला के पिता मोहम्मद सरताज के प्रति और पूरे उनके परिवार के प्रति हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार के उनकी एक औलाद के द्वारा हरकतों के कारण जो है उनको यह दिन देखना पड़ा है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा, सरताज पर पूरे सदन को तो नाज है ही, पूरे देश को भी नाज है डिप्टी चेयरमैन सर। और मैं यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा, मैं पहले भी राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी यह बोल चुका हूँ, चाहे आतंकवाद हो, चाहे जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हों, हमारे देश में जो चल रही हूँ, हमारे देश की एक ऐसी प्रकार की कल्चर है, ऐसी एक संस्कृति है, और इस संस्कृति में रचा बसा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कि किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि वह आतंकवाद अथवा अन्य ऐसी हिंसक गतिविधियों वो कभी भी इंडोर्स नहीं करेगा, किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करेगा, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। मैं पुनः मोहम्मद सरताज के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूँ, और साथ ही पुनः मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ कि मोहम्मद सरताज जैसे भारत के नागरिकों पर इस पूरे देश को नाज है।